Hello, welcome to my channel, Mathsomatic makes math easy. Today we will study class 8 chapter 14 factorization exercise 14.3 concepts and tricks. आज हम लोग पढ़ेंगे division of algebraic expressions, यानी कि अगर हमको कोई algebraic expression दिया रहेगा और हमको उसका division करने के लिए बोलेगा, उस बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो हम लोग कैसे डिवाइड करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को, आइए देखते हैं। ये है हम लोग के पास डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को ले लेंगे और फिर उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो हम लोग समझिए, यहाँ पे लेते हैं एक पहला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो की हो गया है 6x^3 और दूसरा मेरे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 2x। तो यहाँ पे हम लोग 6x^3 को डिवाइड कर रहे हैं 2x। तो सबसे पहले ऊपर में हम लोग यहाँ पे लिख लिए हैं 6x^3। तो 6 मतलब हो गया ये नंबर 6 और ये x^3 को हम लोग लिखे हैं x(x)(x), ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये 2x है, इस 2x को लिखे है नीचे, यानी कि 2x, ऐसा हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे जो नंबर था 2 और ऊपर में नंबर था 6, तो नंबर से नंबर को हम लोग कट कर सकते हैं। ये मेरा हो गया है 2 1 2, ये मेरा हो गया है 2 3 6, ओके। ऊपर में 3 आ गया और यहाँ पर ऊपर में x कितना बार था, 3 बार, यहाँ पर x सिर्फ एक बार था, इसलिए ये x से ये x कट गया, तो मेरे पास बच गया सिर्फ ये वाला x और ये वाला x, और यहाँ पे बच गया था मेरे पास 3। तो मेरे पास जो आंसर है वो हो गया है 3x². इस तरीके से हम लोग दो दिया हुआ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को डिवाइड करके अपना आंसर को निकाल सकते हैं, ओके। अब देखिए नेक्स्ट हमको दिया हुआ है 6x^3 को डिवाइड कर रहे हैं 2x² से। तो ऊपर लिख लिए हैं हम लोग 6x^3, यानी कि 6 नंबर यहाँ पर आ गया और x^3 का मतलब है x मेरा 3 बार आएगा। 2x² नीचे, यानी कि ये हो गया मेरे पास नंबर 2 और ये हो गया मेरे पास x और x, यानी कि x², तो कट किए हैं, तो मेरे पास क्या आ गया है, मेरे पास आंसर आ गया है 3x, ओके। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया हुआ है हमको एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है 5x² + 20x / 5x। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, ऊपर में मेरे पास हो जाएगा 5x² + 20x और नीचे में हो जाएगा 5x। हम लोग इसको इस तरीके से लिख लिए पहले। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए एक प्लस का साइन है बीच में, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर प्लस का साइन को ब्रेक करेंगे, यानी कि हम लोग ब्रैकेट से ये दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को निकालेंगे, ओके। तो देखिए, जब हम लोग ब्रैकेट से ये दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को निकालेंगे तो ये मेरा बन जाएगा ऊपर से 5x² और नीचे वाला आ जाएगा 5x इसके साथ, यानी कि ये मेरा बन गया 1 साथ और बीच में आ गया प्लस का साइन, फिर ये मेरा हो गया है 20x / 5x और ये वाला बन गया है मेरा 1 साथ, ठीक है। इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए नीचे में x और ऊपर में x², तो x और x कट गया, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 5 कट गया, तो ऊपर में यहाँ पर मेरे पास बच गया है x और यहाँ पर था देखिए x नीचे में और x और x कट गया, यहाँ नीचे में था 5 ऊपर था 20, यानी कि 5 4 20, ऊपर हमको मिल गया यहाँ पर 4, ये मेरा हो गया है x + 4, ये मेरा फाइनल आंसर आ गया यहाँ पर डिवाइड करने से, ओके। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है हमको 5x² + 20x / x + 4। अगर हम लोग इसको x + 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर हम लोग 5x² + 20x को ऊपर लिख लिए और नीचे में कर लिए x + 4। ध्यान से देखिए, अगर ये वाला 5x² + 20x में से अगर हम लोग 5x को कॉमन बाहर निकाल लेंगे, मान लीजिए यहाँ से हम लोग 5x को कॉमन निकाल लिए ये दोनों में से, तो 5x इसमें से निकल गया तो मेरे पास बच गया x और 5x इसमें से निकल गया तो मेरे पास बच गया 4। तो ये मेरा हो गया 5x ब्रैकेट में x + 4 ऊपर में और नीचे में था मेरे पास x + 4, तो ये x + 4 कट गया तो मेरे पास आंसर बच गया 5x, ओके। इस तरीके से हम लोगों ने इसको डिवाइड कर लिया। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे डिविजन ऑफ ए मोनोमियल बाई अनदर मोनोमियल, यानी कि हम लोग यहाँ पर एक मोनोमियल के साथ दूसरे मोनोमियल का डिवीजन करेंगे।
डिवीजन करने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि मोनोमियल मतलब होता है ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका सिर्फ वन टर्म होता है, यानी कि सिर्फ एक टर्म होता है। एक टर्म वाला एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग कहते हैं मोनोमियल। ओके, यहाँ पर देखिए 24x^5 ये मेरा है वन टर्म, और ये वाला हो गया है 6x², ये मेरा हो गया है वन टर्म। तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ था ऊपर में 24x^5, तो ऊपर में हम लोग लिख लिए हैं 24x^5। यहाँ पर x को लिख लिए हम लोग 5 बार, 1, 2, 3, 4 और 5। नीचे में था 6x², लिख लिए हैं 6x × x, कट करने से हमको मिल गया है आंसर 4x³। ओके, अब देखिए नीचे हम लोग पढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 13। देखिए ये क्या बोलता है, ये है हमारे पास एग्जाम्पल 13। ये कहता है डू द फॉलोइंग डिविजन्स। यहाँ पे हमको डिवीजन करने के लिए बोल रहा है। यहाँ पे हमको दो क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हमको डिवाइड करना है। कैसे होगा आइए देखते हैं। ये है मेरे पास एग्जाम्पल 13। यहाँ पर हमको फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ था -20x^4, इसको हमको डिवाइड करना है 10x² के साथ में। तो ऊपर में लिख लिए हैं हम लोग -20x^4, यानी कि x को लिख लिए हैं हम लोग 4 बार, और यहाँ पर हम लोग -20 को लिख लिए हैं -1 × 20। हम लोग -20 को ऐसा लिख सकते हैं कि ये मेरा है -1 × 20, ये मेरा बन जाता है -20, इसलिए हम लोग यहाँ पर लिख लिए हैं -1 × 20 ऊपर में, और नीचे में कर लिए हैं 10x², यानी कि 10 यहाँ पर और ये वाला x और ये वाला x, यानी कि 10x². अब यहाँ पर कट किए हैं हम लोग, तो ये मेरा बन गया है 10 × 20, और 2x कट गया, यहाँ पर मिल गया हमको -2x², ये मेरा बन गया आंसर डिवाइड करने के बाद। ये है नंबर 2। यहाँ पे दिया हुआ है हमको 7x²y²z² डिवाइड करना है हमको 14xyz से। ये मेरा हो गया है एक टर्म, और ये वाला हो गया है मेरा दूसरा टर्म। ठीक है, ऊपर में कर लिए हैं देखिए 7x² यानी कि x 2 बार, y² यानी कि y 2 बार, z² यानी कि z 2 बार, नीचे में हो गया है 14xyz। कट करने से हमको मिल गया है यहाँ पर xyz/2, ये मेरा हो गया है फाइनल आंसर डिवाइड करने के बाद। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ट्राई दीज। देखिए ट्राई दीज क्या बोलता है, ये है हम लोग के पास ट्राई दीज। यहाँ पर हमको दिया हुआ है डिवाइड करने के लिए नंबर 1 24xy²z³/6yz², फिर नंबर 2 में दिया हुआ है 63a²b4c6/7a²b²c³। तो यहाँ पर देखिए ये भी मेरा हो गया है वन टर्म, ये भी हो गया है वन टर्म, यानी कि ये जो हमको दिया हुआ है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यहाँ पर, ये सब मोनोमियल है। ये भी देखिए मेरे पास हो गया है वन टर्म यानी कि मोनोमियल, ये भी हो गया है वन टर्म यानी कि मोनोमियल। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर मोनोमियल के साथ डिवाइड कर रहे हैं मोनोमियल को। कैसे होगा देखिए, ये है नंबर 1, हमको दिया हुआ है 24xy²z³/6yz², तो सबसे पहले ऊपर में हम लोग लिख लिए हैं 24x, यहाँ पर था वाई स्क्वायर यानी कि y को लिख लिए हैं 2 बार, z³ यानी कि z को लिख लिए हैं 3 बार, नीचे में कर लिए हैं 6yz² यानी कि z को लिख लिए हैं 2 बार। अब यहाँ पर हम लोग ऊपर नीचे इसको कट करेंगे तो मेरे पास जो फाइनल आंसर है वो आ जाएगा 4xyz, ये मेरा हो गया है फाइनल आंसर इसको डिवाइड करने के बाद। ओके, नंबर 2 देखिए, ये दिया हुआ है 63a²b4c6/7a²b²c³। सबसे पहले ऊपर में हम लोग कर लिए हैं 63 × ये मेरा हो गया है a² यानी कि a 2 बार, b4 यानी कि b 4 बार, c6 यानी कि c को लिख लिए हैं हम लोग 6 बार, नीचे में 7a² यानी कि ये हो गया है 7a² यानी कि a 2 बार, b² यानी कि b 2 बार, और c³ यानी कि c 3 बार। इसको ऊपर नीचे कट करेंगे हम लोग तो मेरे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 9b²c³। ओके, इस तरीके से हम लोग यहाँ पर एक मोनोमियल को डिवाइड करके देख लिए दूसरे मोनोमियल से। अब देखिए नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे डिवीजन ऑफ ए पॉलिनोमियल बाय ए मोनोमियल, यानी कि अगर हमको एक पॉलिनोमियल को डिवाइड करना होगा एक मोनोमियल से तो उसमें हम लोग क्या करेंगे। इसका मतलब जो न्यूमरेटर होगा, न्यूमरेटर मेरा हो जाएगा यहाँ पर पॉलिनोमियल, और जो मेरा यहाँ पर डिनोमिनेटर होगा वो मेरा बन जाएगा मोनोमियल। ठीक है, ये हमको यहाँ पर बोल रहा है कि हमको डिवाइड करना है एक पॉलिनोमियल को किससे, मोनोमियल से, यानी कि
न्यूमरेटर में मेरा आ जाएगा पॉलिनोमियल और डिनोमिनेटर मेरा आ जाएगा मोनोमियल। ओके, इसको हमको ध्यान में रखना है। यहाँ पर देखिए, ये वाला हमको दिया हुआ है 4y³ + 5y² + 6y। तो ये वाला जो यहाँ से लेके यहाँ तक दिया हुआ है हमको 4y³ + 5y² + 6y, ये क्या है? ये मेरा हो गया है एक पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि टोटल यहाँ पर कितना टर्म है, टोटल यहाँ पर 3 टर्म है। तो ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जहाँ पर हमको 2 से ज्यादा टर्म रहेगा वो मेरा बन जाएगा पॉलिनोमियल। ठीक है, यानी कि 2 से ज्यादा टर्म यानी कि 2+ टर्म्स जहां पर रहेगा वो मेरा बन जाएगा एक पॉलिनोमियल। ठीक है, इसलिए यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हो गया 3 टर्म्स और ये हो गया मेरे पास एक मोनोमियल, यानी कि एक पॉलिनोमियल को अगर हम लोग एक मोनोमियल से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा। ओके, देखिए ये मेरा हो गया है 4y³, यानी कि ऊपर में हो गया है 4y³ + 5y² + 6y और नीचे में हो गया है 2y। ओके, तो इसको हम लोग कैसे करते हैं डिवाइड? ये वाला 4y³ के साथ 2y हो जाएगा एक साथ, उसके बाद यहाँ पर मेरा 5y² के साथ नीचे में हो गया है 2y और फिर उसके साथ यहाँ पर मेरा प्लस हो गया है 6y ऊपर में और नीचे में 2y। इस तरीके से हम लोगों ने इसको पहले सेपरेट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ऊपर में हो गया था 4y³ यानी कि y मेरा हो गया है 3 बार, नीचे में हो गया है 2y, फिर यहाँ पर हो गया 5y² यानी कि y हो गया है 2 बार, यहाँ पर हो गया है 2y नीचे में, फिर ऊपर में हो गया है 6y, नीचे हो गया है 2y। हम लोग जब कट करना चालू किए हैं तो ये मेरा हो गया है 2y² + 5/2y + 3, ये मेरा बन गया है फाइनल आंसर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है हम लोग के पास एग्जाम्पल 14। देखिए ये क्या बोलता है, ये है एग्जाम्पल 14। यहाँ पे हमको बोलता है डिवाइड करने के लिए, यहाँ पर हमको दिया हुआ है 24xyz + xy² + xyz² / 8xyz, यानी कि ये वाला यहाँ पर मेरा बन गया है एक मोनोमियल और यहाँ से यहाँ तक ये वाला मेरा बन गया है एक पॉलिनोमियल। ओके, क्योंकि यहाँ पर 2 से ज्यादा टर्म है। अब देखिए यहाँ पर डिवाइड कैसे करेंगे हम लोग। ये वाला हो गया है हमको 24x²yz + xy² + xyz² / 8xyz। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इसको लिख लिए हैं ऊपर में, यानी कि ये वाला मेरा बन जाएगा कहाँ पर, न्यूमरेटर, और ये बन जाएगा मेरा डिनोमिनेटर। ठीक है, तो ऊपर हो गया है देखिए 24xyz + xy² + xyz² ये मेरा हो गया है ऊपर और नीचे हो गया है 8xyz। तो इसको हम लोग ऐसा ब्रेक किए हैं, यानी कि 24xyz / 8xyz, फिर 24xy² / 8xyz, फिर 24xyz² / 8xyz। अब हम लोग इसको यहाँ पर कट किए हैं, तो कट करने के बाद देखिए हम लोग का जो आंसर आता है वो आता है 3x + 3y + 3z। यहाँ से मेरा 3 निकल गया कॉमन, तो मेरा जो फाइनल आंसर है वो बन गया है 3(x + y + z). ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे डिवीजन ऑफ ए पॉलिनोमियल बाय ए पॉलिनोमियल, यानी कि अगर हमको दिया हुआ रहेगा न्यूमरेटर में पॉलिनोमियल और हमको डिवाइड करना पड़ेगा उसको दूसरे पॉलिनोमियल से, तो हम लोग कैसे करेंगे? यानी कि इस केस में हमारे पास जो न्यूमरेटर है वो भी रहेगा पॉलिनोमियल और जो डिनोमिनेटर है वो भी रहेगा मेरा एक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमको दिया हुआ है 7x² + 14z और यहाँ पर हमको दिया हुआ है x + 2, यानी कि ये भी मेरा हो गया है एक पॉलिनोमियल और ये भी मेरा हो गया है एक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग ऊपर लिख लिए हैं हम लोग 7x² + 14x और नीचे में लिख लिए हैं हम लोग x + 2, तो ये मेरा क्या हो गया है, ये मेरा हो गया है 7x × x और ये हो गया है 14x नीचे में x + 2। तो यहाँ से कॉमन क्या है, कॉमन मेरा ये वाला 7 है और ये वाला x और ये 14 में मेरा क्या था, ये 14 मेरा बन गया था 7 × 2, यानी कि यहाँ से मेरा कॉमन निकल गया है ये वाला 7 और ये वाला x। तो हम लोग 7 और x को कॉमन निकाल लेंगे तो मेरे पास बच जाएगा x + 2 और यहाँ पर नीचे में रह गया x + 2, तो कट करने से मेरे पास क्या मिला आंसर 7x। ओके,
इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग अगर यहाँ पर पॉलिनोमियल को डिवाइड किए पॉलिनोमियल से तो हमको यहाँ पर आंसर 7x मिला है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है। ये है एग्जाम्पल 15। ये बोलता है डिवाइड करने के लिए हमको यहाँ पर 44x^4 - 5x³ - 24x² को बाई 11x ब्रैकेट में x - 8 हमको इसको डिवाइड करना है। कैसे करेंगे आइए चेक करते हैं। हमको यहाँ पर दिया हुआ है ये वाला एक पॉलिनोमियल और हमको इसको डिवाइड करना है ये पॉलिनोमियल से। ओके, तो क्या करेंगे देखिए, ये मेरा हो गया है 44 ऊपर में ब्रैकेट में x^4 - 5x³ - 24x² लिख लिए। ये मेरा बन गया है ऊपर में यानी कि न्यूमरेटर में और नीचे में क्या हो गया है मेरा, नीचे में मेरा हो गया है 11x ब्रैकेट में x - 8। ओके, तो कट किए हैं तो मेरे पास आ गया है यहाँ पर 11 × 4 = 44 यानी कि ऊपर में हो गया 4 नीचे में हो गया x और ब्रैकेट में x - 8। ओके, अब देखिए यहाँ पर मेरे पास कॉमन क्या है, यहाँ पर देखिए हम लोग यहाँ से निकाल लिए हैं ब्रैकेट से यानी कि ये वाला जो ब्रैकेट है ऊपर में x^4 - 5x³ - 24x² यहाँ पर मेरा कॉमन क्या है, कॉमन मेरा यहाँ पर था x² तो x² को बाहर निकाल लिए। ओके, तो ये मेरा बन गया 4x² ब्रैकेट में आ गया x² - 5x - 24 और नीचे में था x ब्रैकेट में x - 8 तो ये x और यहाँ पर ऊपर वाला एक x कट गया तो हमको मिल गया ऊपर में 4x ब्रैकेट में x² - 5x - 24 डिवाइड बाई x - 8। अब देखिए जो ये वाला मेरे पास मिल गया था हमको, इसको हमको क्या करना पड़ेगा, इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको हम लोग सॉल्व किए हैं मिडिल टर्म के हिसाब से तो हमको क्या मिला है आंसर, हमको यहाँ पर सॉल्व करने से आंसर मिला है 4x ब्रैकेट में x + 3 फिर ब्रैकेट में x - 8। नीचे में था मेरे पास x - 8 इसको लिख लिए तो देख सकते हैं कि नीचे वाला x - 8 ऊपर वाला x - 8 कट गया तो मेरे पास जो फाइनल आंसर हुआ है वो है 4x ब्रैकेट में x + 3। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर किस तरीके से मिडिल टर्म को सॉल्व किए हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एग्जाम्पल 16। देखिए क्या बोलता है, ये है एग्जाम्पल 16। ये बोलता है डिवाइड करने के लिए हमको जेड ब्रैकेट में 5z² - 80 बाई 5z ब्रैकेट में x + 4 हमको यहाँ पर दिया हुआ है एक पॉलिनोमियल और हमको डिवाइड करना है इसको दूसरे पॉलिनोमियल से। कैसे करेंगे आइए चेक करते हैं। ये है मेरे पास पहला पॉलिनोमियल जेड ब्रैकेट में 5z² - 80 और ये हो गया मेरे पास दूसरा पॉलिनोमियल यानी कि 5z ब्रैकेट में z + 4 तो इसको लिख लिए हैं न्यूमरेटर में और इसको लिख लिए हम लोग डिनोमिनेटर में। ओके, तब देखिए यहाँ पर मेरे पास था ऊपर में z बाहर में, यहाँ पर था मेरा 5z बाहर में तो हम लोग ये z को कट कर लिए। देखिए ये वाला z और ये वाला z कट हो गया। ठीक है, और ये वाला जो ब्रैकेट था ये ब्रैकेट से हम लोग 5 को कॉमन बाहर निकाल लिए। देखिए 5 को कॉमन बाहर निकाल लिए तो यहाँ मेरा रह गया है z² और यहाँ रह गया मेरा 16। ठीक है, 5 मेरा कॉमन बाहर निकल गया तो मेरा 5 भी कट गया। देखिए इससे क्या हो गया, हमको मिल गया z² - 16 और नीचे में रह गया z + 4 तो 16 को हम लोग लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर क्योंकि हमको पता है कि 4 × 4 करने से आता है कितना 16, इसलिए ये मेरा हो गया है 4 का स्क्वायर। देख सकते हैं कि अगर ये 4 का स्क्वायर हो गया है तो ये मेरा कौन सा फॉर्मूला में आ गया, ये मेरा आ गया है a² - b² वाला फॉर्मूला में। ठीक है, तो हमको पता है कि a² मेरा हो गया है ये वाला z² और b² हो गया ये वाला 4 स्क्वायर तो a² - b² क्या होता है, वो मेरा होता है a + b a - b यानी कि a क्या था z, b क्या था 4, मेरा आंसर हो गया है z + 4 z - 4 और नीचे में था मेरे पास z + 4। ये z + 4 कट गया दोनों तो मेरे पास क्या रह गया, मेरे पास रह गया आंसर z - 4। therefore जो मेरा फाइनल आंसर है दोनों पॉलिनोमियल को डिवाइड करने के बाद वो आ गया है z - 4। ओके, थैंक यू। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन टू गेट न्यू वीडियो अपडेट्स।